चलिए भाई एक बार फटाफट कल का देखते हैं। कॉपी खोल रखी होगी आपने, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि असली में ट्रिग्नोमेट्री में होता है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और जो दो साइड होती है एक परपेंडिकुलर होता है और क्या होता है बेस, ये बता चुके थे। अच्छा फिर हमने बात करी थी, एक थ्योरम थी, क्या थी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है? जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो बराबर किसके होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। आपको मैंने कहा था कि स्क्वायर भी याद करने थे, 25 तक स्क्वायर करने, ठीक है। कल मैंने 10 से 11 से लेकर 15 तक स्क्वायर लिखाए थे, ठीक है। 11 का स्क्वायर आप चेक कर सकते हैं, आपने 121 लिखा होगा। 12 का स्क्वायर 144 लिखाया था ना, ये आपको लिखा देते। 13 का, 14 का, 15 का स्क्वायर लिखा दिया। आज का काम क्या, पहले स्क्वायर लिख देंगे फटाफट। 16 का स्क्वायर लिखे जल्दी, 256 लिखो। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 16 का स्क्वायर 256 लिखो, वेरी गुड। 17 का स्क्वायर 289 लिखो, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324 लिखो, 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 का स्क्वायर है, ठीक है, 324, हाँ चले गए वो। 19 का स्क्वायर 361, वेरी गुड। और कौन बचा? 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400, ठीक है। तो कम से कम आपको यहाँ तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 20 तक, ठीक है ना, ठीक है, डन। 20 तक स्क्वायर याद करने हो जाएगी, कोई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट काम। पीछे बैठो सॉरी, डन, आगे बढ़ते, ठीक है, अगले काम पे। आज से हम करने वाले क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। तो आज जरा बढ़िया करके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कल का एक बार कॉन्सेप्ट फिर से देख लेते हैं। एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, लिख लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले और सोना चांदी, वाह सोना, चलो अब याद हो जाएगा, अरे ठीक हो जाएगा, सॉरी गाइस। चलिए इसमें साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तीन तो ये रेशियो थे, ठीक है। एक बार साथ साथ कॉपी में सबके सब लिखेंगे। जैसे साइन ए था तो साइन ने क्या बताया था? पी अपॉन बी एच, सॉरी। अच्छा कॉस ए क्या बताया था? बी बाय एच। और टेन ए क्या बताया था? पी बाय बी। अच्छा साइन ए का उल्टा कौन था? कॉस ए के, बताई थी बात भी। साइन ए का उल्टा होता है कॉस ए के, कॉस ए के होता है साइन ए का उल्टा, वन अपॉन साइन। तो साइन ए हमारे पास था पी बाय एच, इसका उल्टा करोगे क्या बनेगा? एच बाय पी। सिमिलरली sec a किसका उल्टा था? cos का, 1 upon cos है, तो क्या बनेगा ये? h by b। last but not the least cot a, cot a किसका उल्टा था? tan का, तो b by b। यहां तक हो गया डन। ये कल आपको याद भी करवाया था, फटाफट लिखो दोबारा दोबारा, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। जितना हम रिवाइज करेंगे उतना सीखेंगे, लिखेंगे जितने प्यार से, ठीक है। कल की क्लास में यही तक तो पढ़ाया था और फिर एक क्वेश्चन कराया था बस, है ना। आज क्वेश्चन करने बहुत सारे, मजा आएगा आज, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बढ़िया करके। टाइप वन ही चल रहा था ना, बेसिक हो गया। कल कोशिश करेंगे तुम्हें पहली शीट दे देंगे इसकी, ताकि तुम क्वेश्चन घर में थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना, आजकल तो खाली बैठे होंगे। किसकी स्पेलिंग? अबे किसकी स्पेलिंग यार इसमें से? कॉट की, सी ओ टी, नहीं पता। अच्छा मैं, अरे सॉरी, तेरे को पीन की स्पेलिंग आ रही है ना, पी की स्पेलिंग परपेंडिकुलर होता है, पारस है ना, पारस को याद हो गया। पारस पी से क्या होता है? परपेंडिकुलर। एच से क्या होता है? हाइपोटेन्यूस, ठीक है, वेरी गुड। चलिए याद तो हो रहा कुछ, चलो पाइथागोरस थ्योरम आती है, ठीक है। खुश हो रहा हूँ, क्या हुआ? क्या कह रहा? पहली बार सोच रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा हूँ, मजा आ रहा है। चलो सवाल लिखिए, सवाल लिखिए। इन अ ट्राइंगल PQR, in a triangle PQR, पूरा सवाल लिखना है दमिश से। In a triangle PQR, right angle at, सवाल पूरा लिखना, अभी तुम स्टार्ट कर रहे हो क्योंकि आराम से लिखो, तुम्हारे नोट भी तो बनेंगे अच्छे तभी तो। In a triangle PQR, right angle at P, right angle किस पे? P पर है, लिख दिया। Right angle at P. such that PR is equal to
24 सेंटीमीटर सच दैट पी आर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी आर एंड दिख गया भाई एंड पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर PQ is equal to 7 सेंटीमीटर लिख दे तीनों साइड दे दी गई आपको find all the trigonometric ratios find all the trigonometric ratios for R के लिए सारे trigonometric ratios निकालने ठीक है कोशिश करिए एक बार फटाफट कल जैसे कराया था वैसे करना आराम आराम से कोई जल्दबाजी नहीं पहले फिगर बनाओ सबसे पहला काम फिगर बनाइए बातें नहीं बातें खुद करो अभी सीखोगे धीरे धीरे खुद करो आराम से हो गया चलो चेक करेंगे अभी चलो चेक करते हैं कितना आया कितना नहीं आया पता लगेगा सबसे पहले एक ट्राइंगल बनेगा ठीक है ट्राइंगल ऐसे उसने हमारी हेल्प के लिए बोला राइट एंगल कौन से पॉइंट पे किस पी पे तो 90 डिग्री राइट एंगल मतलब यहाँ पे पी पे है बाकी एक क्यू होगा और एक क्या होगा इतने में कोई दिक्कत शायद कोई साइड गिवन है कौन कौन साइड गिवन है जरा बताओ पी आर कितना है पी से लेकर आर तक 24 पी क्यू कितना है पी से लेकर क्यू तक 7 और क्यू आर कितना है 25 सेंटीमीटर यहां तक कोई दिक्कत इंच भर भी अच्छा पूछा कौन सा एंगल के लिए आर के लिए पी के लिए किसके लिए पूछा है आर के लिए मतलब इसके लिए इस एंगल को हाईलाइट कर दिया कोई दिक्कत तो नहीं है अब देखो काम जल्दी करना है तो देखो कैसे करना है ध्यान देना मैंने कहा मैं एक काम करता हूं आर के सामने वाली जो साइड होती है एंगल के सामने वाली साइड वो क्या होती है परपेंडिकुलर बहुत बढ़िया और जो 90 के सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है हाइपोटेन्यूस और जो बच जाती है खाली बेस तीन चीजें क्लियर हो गई आर के लिए कोई दिक्कत किसी को आर के लिए परपेंडिकुलर कौन होता है जो सामने वाला होगा यानी सामने वाला कौन था पी क्यू अच्छा बेस कौन होगा जो बच गया था लास्ट में क्योंकि 90 के सामने वाला तो कौन होगा हाइपोटेन्यूस अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें निकालना है साइन आर साइन आर क्या बताया था पी बाय एच बताया था कि नहीं बताया था पी बाय एच परपेंडिकुलर कितना है जरा देख के बताओ पी बाय 7 अपॉन एच कितना है 25 कॉस आर कौन है कॉस आर कितना है क्या था कॉस आर का फॉर्मूला बी अपॉन एस था बेस कितना है 24 हाइपोटेन्यूस कितना है 25 फिर कौन आएगा 10 आर कितना होगा 10 पी अपॉन परपेंडिकुलर कौन है 7 और बी कितना है 24 चाहो तो अब ऐसे कर लो कॉस एक आर किसका उल्टा होता है साइन का ना तो सीधा 25/7 भी तो लिख सकते हैं वैसे भी वही आएगा अच्छा सेक आर कितना आएगा कॉस का उल्टा होता है 25/24 और फिर कोटार कोटार किसका होता है 24/10 का उल्टा होता है बोलो किसी को परेशानी इंच भर भी यहाँ पे एक चीज में भी कहीं डाउट हो रहा है अभी पूछा मैं समझा दूंगा आ गया कल था क्लास में ऑनलाइन अटेंड कर रहा था अच्छा तू ही था वो तेज आदमी अच्छा मैसेज क्यों नहीं करा
हाँ वो नहीं होता यही है वो, यही है वो गद्दार आदमी। एक साल हो गया इसको सब्सक्राइब नहीं करा। तुम में से बहुत गद्दार होंगे, ढूंढने पड़ेंगे कौन कौन है। नहीं नहीं उसने तो खैर, उसने तो सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करा होगा, पर करा जरूर होगा। हाँ चलिए समझ में आया, क्लियर? हाँ भाई पीछे समझ में आया भाई लोग, बढ़िया। हाँ पूछो कुछ पूछने। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन लिखो। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल JKL, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल JKL, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल JKL, राइट एंगल एट, राइट एंगल एट JKL, राइट एंगल एट, राइट एंगल्ड एट के, राइट एंगल्ड एट के कर दिया, सच दैट, सच दैट JK इज इक्वल टू, सच दैट JK इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, KL equal to 40 centimeter and JL equal to 50 centimeter. कोई दिक्कत नहीं, ये साइड दे दिया 30, 40 और 50. ठीक है इतना सही है, जरा फिगर बना लो तब तक, फिर आगे देते ना तुमने क्या जल्दी बाजी ना, आराम से बना लो फिगर। हाँ फिगर बना लिया सबने, फिगर में लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं, 30, 40, 50 का आंसर को पता लग गया ना। फाइंड फर्स्ट पार्ट, फाइंड फर्स्ट पार्ट, साइन जे प्लस कॉस, साइन जे प्लस कॉस जे, इसके लिए निकाल, साइन जे प्लस कॉस जे, अटेम्प्ट ना करवाना कितना रहा चेक करते अभी, जो गलती करनी है कर लो, पेपर में नहीं होनी चाहिए बस गलती, ध्यान रखना समझे गाइस। हुआ नहीं आ रहा, अब आएगा, फिगर बनाया देखते रहना, आजा, अरे आजा, अबे सीखेगा तभी तो, अभी किससे बेइज्जती फील कर रहा मुझसे, मैं तो बड़ा बेशरम आदमी हूँ, क्या कह रहे सच बोल रहे। एक राइट एंगल ट्रायंगल देख इधर, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे होता है, कौन से पॉइंट पे राइट एंगल बना रहा है, पल पर के पे, तो के कहाँ होगा, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, तो जे यहाँ एल यहाँ, इतना सही है फिगर, सही है सर। अब साइड कितनी कितनी देर की जरा बता दो देख के, कौन से साइड है, 30, 40 क्या है लिखा होगा ना, जे के कितनी है 30 लिख दो फिर इस पे, अच्छा इस पे कितना था 40 और यहाँ कितना था 50, कोई दिक्कत इतने फिगर में, कुछ अलग कारिस्तानी तो नहीं करी, देख ले फिगर में, बना ले बना ले, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठी निकाल यार, सॉरी सर, आराम से बस करम ही खराब है नहीं ये। चलो देखो आगे,
आगे देखो, सबसे पहले हमें निकालना है साइन जे, दिख रहा दो चीजें ना, एक साइन जे और एक कॉस जे। पहले हम साइन जे पे काम करते हैं। हाँ जी अभिषेक जी, साइन होता क्या जरा देख के बताओ, साइन क्या होता है? कुछ नहीं, इधर देख, इतना नहीं सोचना, ऊपर लिख देना कॉपी में पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, दो मिनट का हमें तो लिखा है कि नहीं लिखा है, तो कितनी 3 सेकंड 4 सेकंड का हार्डली काम है। जब याद हो जाएगा तब तो ठीक है, जब तक याद नहीं हो रहा लिखते रहो, सीख जाओगे एक दो दिन में, फिर याद होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है भाई, साइन क्या होता है? पी बाय एच। साइन जे है ना, जे के लिए परपेंडिकुलर, जे ये रहा ना, इसको ऐसे कर दिया। परपेंडिकुलर कौन होता है? परपेंडिकुलर कौन होता है? नहीं नहीं नहीं, 90 के सामने आता बेटा हाइपोटेनियस होता है, ये तो हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर होता है एंगल के सामने, जिसकी बात कर रहे, जे की बात कर रहे हैं ना, तो जे के सामने वाली साइड कौन सी है देख के बताते हैं। जे के सामने कौन है साइड? केएल। कितने की है? 40 की, जो परपेंडिकुलर हो गया। अपॉन नीचे कौन आता है? हाइपोटेनियस आता है साइन में, तो कौन है हाइपोटेनियस? 90 के सामने वाला कौन है? जेएल। बस तो 50 आ गया, 0 से 0 कट गया, कितना आएगा? 4/5। ये आ गया साइन जे, एक निकल गया। अभी नोट मत कर, देख ले, कोई नहीं भाग रहा तेरी कॉपी लेके। दूसरा कौन होगा? कॉस जे। कॉस जे होगा, दो ही चीजें तो चाहिए, एक साइन जे चाहिए और एक कॉस जे चाहिए, फिर ऐड करना है। कॉस जे कैसा आएगा? देखो भाई, कॉस क्या होता है देख के बता, बी बाय एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेस कैसे, कितना होगा बेस? जे के लिए बेस कौन होगा जरा देख के बता, जे के 30 होगा है ना, अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना एच, हाइपोटेनियस कौन है? 90 के सामने वाला कौन है? 50। 0 से 0 गया, कितना आएगा? 3/5। यहाँ तक सही है, अब सिर्फ ऐड करना है। देख 4/5 + 3/5, एलसीएम कितना आएगा दोनों का? 5 ही आएगा, डर क्यों रहा इतना? ऊपर 4 + 3 कितना आएगा? 7/5। ये यार आंसर समझ में आया? टाइम लेके कर, कुछ नहीं है अभी, और अभी ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, आराम से करते रहो सवाल, गलत हो सही हो बस करना है। ठीक है, जब सही होने होंगे उस दिन सही भी होंगे, लेकिन पहले गलत होंगे, हाँ ध्यान रखना। और ट्रिग्नोमेट्री कैसी चीज़ है जो टाइम मांगती है, ठीक है, जो जितना टाइम लगाया उसको उतनी ज़्यादा समझ में आएगी। देखो साफ सीधी बात है, मैं पढ़ाऊंगा सबको सेम ही, ठीक है, कंटेंट भी सबको सेम मिलेगा, प्रैक्टिस शीट भी सबको सेम मिलेगी, एनसीईआरटी भी सबके पास सेम ही होगी, कुछ अलग नहीं होगा, पर डिपेंड करेगा तुमने प्रैक्टिस कितनी करी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री, जैसे एक बार अभी पढ़ ली तुम लोगों ने, अभी तो शायद कोई भी नहीं पढ़ रहा होगा तुम्हारे साथ का ट्रिग्नोमेट्री, तुम्हारे से तो आ गई हो ना, ठीक है, तुम्हारे साथ वाले तो अभी पता नहीं कहाँ मरे होंगे या कहाँ सोए हुए होंगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी तुमने एक बार पढ़ ली, एक बार हम गर्मियों में पढ़ेंगे बढ़िया करके, जो गर्मियों की छुट्टियाँ रहती है ना उस टाइम पे एक बार रिवाइज करेंगे बढ़िया करके, एक बार तब पढ़ लेनी है, फिर एक बार नॉर्मली जो पढ़ते पढ़ते स्कूल में पढ़ाएंगे क्योंकि एक बार, ठीक है, तब मैं भी पढ़ाऊंगा, फिर ऐसे चलती रहेगी, और रिविजन के टाइम में 2-3 बार तो अपने आप ही हो जाती है। तो इस साल कम से कम तुम्हें 8-9 बार ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलेगी, और मेरी एक बात ध्यान रखना तमीज से, जिसने ट्रिग्नोमेट्री जितनी बार पढ़ी उसको उतना बेनिफिट होगा और पेपर में उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। जो परसों का पेपर हुआ है ना उसमें बहुत बेसिक सवाल आए, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि स्टैंडर्ड के पेपर ज़्यादा आसान है बेसिक के मुकाबले, ये भी ध्यान रखना, अगर कंपेयर करोगे तो ये भी पता लगेगा स्टैंडर्ड के पेपर ज़्यादा आसान था, ठीक है, और लेना स्टैंडर्ड ही, मैं तो कहूँगा पता क्यों कर लेना स्टैंडर्ड, क्योंकि जब पढ़ना सेम है सबने, मैं ऐसा तो है नहीं कि बेसिक क्लास अलग से लगाऊंगा कहीं, क्योंकि बेसिक की क्लास लगा के ना फायदा क्या नहीं होता, मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या हो अभी आप पता है दिक्कत क्या होती है, मैं बताता हूँ बेसिक के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जब हम लो लेवल का पढ़ते हैं ना तो हमारी थिंकिंग भी लो लेवल की हो जाती है, जो रियलिटी है, फिर हम ये सोचेंगे कि हमारे मार्क्स कैसे आएंगे, बस यही सोचा जाएगा, ठीक है। जब तुम स्टैंडर्ड का पढ़ोगे ना अच्छे लेवल का, तब तुम्हें पता लगेगा कि यार अब तो बेसिक तो कुछ है ही नहीं, इसलिए पढ़ना तो उसी लेवल का ही है, तो इससे अच्छा वही पेपर देना ना, आगे जाके फ्यूचर में ऑप्शन तो खुले होंगे कि आगे मैथ्स में कुछ करना है कि नहीं करना है, समझे, बाकी नहीं करना करना वो तुम्हारे ऊपर होगा। फिर साफ सीधी बात, तुम्हें लगेगा कि मुझे लाइफ में आगे मैथ्स लेनी है कंटिन्यू करनी है तो लेना, लगेगा नहीं करनी मेरे कोई गोल्स कुछ और मत लेना, ठीक है, ध्यान रखना इसको। और 10 में मार्क्स क्यों लाने, ध्यान रखना एक सबसे बड़ी रीजन देता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि 70 से ऊपर लाओगे तो अपनी मर्जी के सब्जेक्ट सबको मिल जाएंगे, जो रियलिटी है, ठीक है, यही तो बात है ना, सब्जेक्ट तो सबको अपनी मर्जी के मिल जाएंगे आराम से, पर ये होगा कि तुम 90 लाके, मान लो किसी को आर्ट्स लेनी है, ठीक है, 90 लाके भी आर्ट्स ले सकता है बंदा, और 30-40 लाके भी आर्ट्स ले सकता है, पर इज्जत कहाँ पे, ये सोचो ना, इज्जत वाली बात आती है ना,
कि 90 लेके तुम आर्ट्स लोगे तो लोग बोलेंगे क्या बोलते इसने तो आर्ट्स साइंस के मार्क्स और तब जाके आर्ट्स इज्जत बनेगी, और लोग बोलेंगे 40 लगे ये तो आर्ट्स ही मिलनी थी इसको। डिफरेंस समझ रहे हो, ये है डिफरेंस और कुछ नहीं। तुम परसेंटेज इतनी ले आना ताकि अपनी मर्जी के सब्जेक्ट मिल जाए, पहला। दूसरा, मार्क्स लाने के लिए ये सोचो कि तुम किसके लिए मेहनत कर रहे हो, साफ सीधा मोटिव जरूर बनाना। इस साल भी सबसे बड़ा फायदा यही हुआ है, सबने अपने मोटिव बना के रखे थे कि मेरे को क्यों लाने मार्क्स, रीजन था सबके पास एक वैलिड। जितने से मैंने बात करी है तो मैं दिखाऊंगा अभी कभी, ठीक है। जो भी टॉपर्स होते हैं ना उनका ग्रुप अलग से है, एक तो नॉर्मल वाला ग्रुप रहता है व्हाट्सएप, टॉपर्स का ग्रुप अलग से है, दिखा दूंगा अभी, देख लेना आराम से। उसमें 10-11 लोग थे, ठीक है। वो सारे की सारी ब्रीड ऐसी है, साफ सीधी बात, वो 90+ वाले सबके सब, वो सब उसमें से एक भी तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा जिसके 90+ से कम आएंगे। अभी बोल रहा हूँ मैं ये बात, 90+ से कम एक के भी आएंगे उसमें, और 100 भी आ सकते हैं वो वाले, उनको तैयार ऐसे ही करा था। उनकी भी ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी तो फिर भी 21 से स्टार्ट हुई, उनकी 25 से स्टार्ट हुई थी ट्रिग्नोमेट्री, तुम लोग उनसे अहेड हो, ठीक है। और उसमें से कुछ ऐसे थे जो 9 में बहुत बेकार थे, बेकार इन द सेंस जिन्होंने कभी नहीं सोचा कि 9 में हम लोग पास भी हो पाएंगे, ऐसे भी थे कुछ कुछ। और 10th में आके ऐसा धमाल मचाया उन लोगों ने भयंकर। मैंने परसों नहीं कह दिया था कि कुछ नहीं करना, पहले यूटी में बस मार्क्स लाने की सोचते हैं, बस पहला गोल यही रखना अपना। अब 1 तारीख से जब क्लासेस स्टार्ट होंगे तब हम यही सोचेंगे कि पहले यूटी में कैसे मार्क्स लाया जाए, कि कैसे हम लोग अपने 40 out of 40 लाए, 20 out of 20 फुल का टारगेट करेंगे फिर, ठीक है। चाहे तो अपने पूछ लेना अपने से बड़े वालों से कि भाई तुम्हारा कितने कितने आए थे, सब यही बोलेंगे 19 आए थे, 19.5 आए थे, सबसे मिनिमम कितने बोलते थे 17.5 या 18.5 जो भी, हाँ मिनिमम उतने ही थे, उससे नीचे नहीं थे किसी के फर्स्ट यूटी में। और तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे पेपर आसान आया था, नहीं पेपर ऐसे ही आता है। और तुम्हें ऐसा लगेगा क्या इजी पेपर दे के आ रहे हम लोग, स्कूल के पेपर अब कुछ डर नहीं लगेंगे तुम्हें, स्कूल के पेपर से गारंटी दे रहा हूँ आज मैं ये बात, स्कूल के पेपर से तुम्हें डर ही नहीं लगने वाला। अगर तुमने तमीज से रेगुलर आओगे ना क्लास में, घर में नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ रेगुलर रहोगे ना मेरे साथ, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें स्कूल का पेपर सबसे आसान लगेगा। तुम चाहोगे कि पेपर हो हमारा डेली, ऐसी वाली बात हो जाएगी फिर, ये ध्यान रखना बस। और बस कुछ नहीं करना, डेली यहाँ आके बस पढ़ने ही, तो जितना पढ़ा रहे वही, तो कल वाला कुछ खतरनाक तो पढ़ाया नहीं कल भी, माना कुछ नया पढ़ाया, मना नहीं कर रहा उस चीज को कि कुछ नया नहीं पढ़ाया, पढ़ाया लेकिन समझा भी तो रहे, एग्जाम्पल भी तो दे रहे, तभी तो प्रैक्टिस ज्यादा करवाएंगे अभी तुम्हारी, ठीक है। जब स्पीड बढ़ानी होगी तब स्पीड बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, बता देना भाई इसका खराब। चलिए इसी में सेकंड पार्ट लिखो, इसी का सेकंड पार्ट लिखो। फर्स्ट पार्ट था साइन जे प्लस कॉस जे निकाला था ना, सेकंड में निकालना टेन जे माइनस कॉट जे, टेन जे माइनस कॉट जे। आसान है, मुश्किल तो नहीं है, करो स्टार्ट। चलिए सीधे बैठा आराम से करते हैं फटाफट। अरे भैया देख ले, काम कर ले। देखो हाँ जी श्लोक जी, इधर देखो तेल ले ही है, क्योंकि अब ये चीज समझने के लिए बहुत लोगों को एलसीएम लेने में दिक्कत हो रही है, मना की बात नहीं, अभी सीख लो बस एक बार, टाइम लगा के आज सीख लो। एलसीएम लेने में जो भी दिक्कत हो रही है वो सॉल्व हो जाएगी, 2 मिनट बस ध्यान से देख लो तमीज से। पहले बात करते हैं टेन जे, टेन क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जे के लिए परपेंडिकुलर कौन है जरा बताएगा कोई, 40 अपॉन बेस आता है ना, जे के लिए बेस कौन है 30 माइनस कॉट जे क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसको उल्टा कर देते 30 अपॉन 40।
इतना किस किस का हो गया था? सबको हो गया था इतना? वेरी गुड. अब इधर देखिए, तो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो सबसे पहले यही करता है, फोर बाय थ्री माइनस थ्री बाय फोर. अब इधर देखो, इतना तो तेरा भी आ गया था, है ना. अब एलसीएम की बात आई, तो एलसीएम का समझना, ध्यान देना. मैंने कहा यहाँ थ्री है, यहाँ फोर है, थ्री और फोर ऐसा कौन सा नंबर है जो इनके टेबल में आता है दोनों की? बारह आता है दोनों. एलसीएम निकालना आता है? नहीं आता. आता है ना एलसीएम निकालना? तो बारह. अब इधर सोच, इधर देखो, इस तीन को बारह बनाना है, किससे इंटू करो? फोर जा. तो भाई अगर इस नीचे थ्री को फोर से इंटू करा तो ऊपर भी फोर से करना है, सही है इतना. माइनस इस फोर को ट्वेल्व बनाना है, किससे इंटू करेगा? थ्री से. तो ऊपर भी थ्री से, नीचे भी थ्री से, कोई परेशानी. अब ऊपर क्या बन गया? सिक्सटीन अपॉन ट्वेल्व आ गया, नीचे माइनस नाइन अपॉन ट्वेल्व आ गया, कोई परेशानी. अब दोनों के नीचे बारह बारह है, बारह लिख दो, और सोलह माइनस नौ लिख दो बिना सोचे, कोई परेशानी. सोलह माइनस नौ कितना होता है? सात. तो सात अपॉन बारह आंसर. समझ में आया? फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, एलसीएम ऐसे लेना है, ठीक है. वेरी गुड बच्चा. अरे आगे समझ में. अरे कोई जरूरी नहीं, तो भयंकर मेथड लगाओ. मेरे को एक बात बताओ, तुम भयंकर मेथड तो लगा लोगे और गलत आ गया आंसर, तब क्या करोगे? तुम्हारे पास टाइम बहुत बचेगा. और ये मैं नहीं कह रहा, ये बच्चे कह रहे. बच्चों ने पेपर पता है तीन घंटे के, ढाई घंटे दो घंटे में करके आए हैं सारे के सारे, ठीक है. और पूरा पेपर कराए और एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा, दो दो ढाई ढाई घंटे में हो रहे पेपर. तो टाइम तुम्हारे पास बहुत ज्यादा बचेगा. एक लड़की आती थी खुशी राणा, वो प्री बोर्ड में, प्री बोर्ड का पेपर डेढ़ घंटे में करके आई है वो, तीन घंटे का पेपर आधे टाइम में. वो भी छोड़ो, ट्वेल्थ का पेपर एक ने डेढ़ घंटे में करा. बेवकूफ आदमी, तीन घंटे से पहले किसी को नहीं छोड़ते बोर्ड वाले. इसीलिए तो, अब मैं समझा क्यों तेरे को नाइन में पास होने की दिक्कत हो रही. चलो समझदार बनाओ इनको, समझ में आ गई. तो इसीलिए टाइम बहुत बचेगा, मेथड आराम से सीखो, चीजें लगा, और शॉर्टकट वगैरह बहुत जल्दी जल्दी सीख जाओगे तुम लोग. शॉर्टकट सिखाने वाली बात ही नहीं. अरे जब शॉर्टकट सिखाने पे आएंगे तब देखना, दो दो पेज के क्वेश्चन एक एक लाइन में करवाएंगे, ऐसी भी कंडीशन होगी, लेकिन उसके लिए पहले बेसिक आना चाहिए ना. चलो अगला थर्ड पार्ट लिखेंगे. अरे थर्ड पार्ट, साइन स्क्वायर जे प्लस कॉसेक स्क्वायर जे, साइन स्क्वायर जे प्लस कॉसेक स्क्वायर जे. एक अप्रैल से फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखना. तो किसी को भी घूमने घूमने जाना होगा तो 28 तारीख के बाद दो तीन दिन का गैप दे देंगे, ठीक है. कहीं भटकना हो भटक लेना दो तीन दिन, ठीक है. फिर एक तारीख से वापस आ जाना, ठीक. फिर एक तारीख से छुट्टी नहीं है, फिर याद रखना. फिर अप्रैल मई, अप्रैल के महीने में तुम्हारे तीन चार चैप्टर निपटा देंगे हम बढ़िया करके, जो मेरा प्लान है. निकालो कुछ, अरे ओ बातें नहीं आनी, गलत बात. हो गया भाई, क्या हुआ सर? Thank you.
एनीबॉडी विल आंसर कितना आया ज्यादा भयंकर क्वेश्चन दे दिया क्या संबंध तुम कौन सा स्कूल में भाई चलो साइन स्क्वायर जे प्लस कॉसेक स्क्वायर जे था साइन क्या होता है पी बाय एच तो परपेंडिकुलर कितना है जे के लिए 40 अपॉन हाइपोटेन्यूस 50 का स्क्वायर यही हुआ प्लस कॉसेक कितना इसका उल्टा होगा कॉसेक साइन का उल्टा ही तो होता है 50 अपॉन 40 इतना सही है 0 से 0 0 से 0 अच्छा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 25 और 16 के एलसीएम बड़ी दिक्कत हो रही होगी जिसको दिक्कत हो रही कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी क्योंकि पहला चैप्टर जो हमने पढ़ना है 1 तारीख से उसमें हम एलसीएम एचसीएफ ही करेंगे सबसे पहले तो तुम्हारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे ठीक है तुम सीधा देखते बताओगे भैया इसका आंसर 400 सीधा सीधा एलसीएम ठीक है देखते ही तो इन दोनों का जो एलसीएम होता है देखो 25 असली में ना 5 × 5 होता है सही बात है और 16 जो होता है 4 × 4 होता है बोला हाँ या ना इन दोनों में ऐसा तो कोई नहीं है ना जो कॉमन है 5 इसमें भी नहीं आ रहा मतलब कॉमन तो कुछ नहीं है ना साफ सीधी बात ही है तो मेरा कहना सिर्फ इतना सा है भाई देखो जब भी कुछ कॉमन नहीं होता ना तो एलसीएम जो होता है ना वो पूरा पूरा होता है पूरा पूरा मतलब 5 × 5 × 4 × 4 पूरा कोई दिक्कत कोई परेशानी जब कुछ कॉमन नहीं होता अब देखो अगली बात 25 है 25 मतलब 5 5 तो इसके पास है 16 के पास इसके पास क्या नहीं है 4 और 4 ही तो नहीं है तो दोनों दे दो इसको 4 × 4 सही है प्लस 25 × इधर देखो दोबारा लास्ट चीज इसके पास 16 तो है मतलब 4 × 4 तो इसके पास है क्या नहीं है इसके पास 5 × 5 तो दे दो भाई 5 × 5 25 या वैसे बेसिक करना है तो हो जाएगा वैसे भी कितना आएगा 16 16 अब जिसको स्क्वायर याद होंगे देखो कितनी जल्दी हो रहा है 25 का स्क्वायर 6 × 5 अपॉन इनको मल्टीप्लाई करके 400 अब ऐड करो कितना आ रहा है 881 अपॉन 400 ये फाइनल आंसर ठीक है कैंसिल करने होगा तो हो जाएगा तब तरीका बताएंगे अगर होगा तो होगा हमें क्या दिक्कत एलसीएम मैं कह रहा हूँ ना पहले दिन जब हम करेंगे ना तो एलसीएम एचसीएफ ही कमांड करनी है बहुत अच्छे से तुम्हें एलसीएम एचसीएफ फिर देख देख के बता दोगे तुम ठीक है चाहे कितने से बड़ा नंबर हो एचसीएफ एलसीएम तो तुम ऐसे बता दोगे फिर यूक्लिड डिवीजन लेम तुम्हारा कैंसिल ना हो जाए क्योंकि 2-3 साल से कैंसिल हो रहा है लगातार तो इसलिए अभी हम वो नहीं करेंगे दूसरा देख दूसरी एक्सरसाइज में आते हैं देखा मैं देख रहा था झूठा कौन है ये गद्दार है तुम्हारे पीछे भैया स्मार्ट है ना मजाक मत करो चलो आगे बढ़ते हैं हो गया यहाँ तक सही है किसी को दिक्कत अगला पार्ट ये हटा दू ना फोर्थ पार्ट में आप सबको निकालना है अरे बातें नहीं प्लीज ना फोर्थ पार्ट में आपको निकालना है टेन जे माइनस कॉट जे अरे बातें नहीं आती प्लस था बेटा प्लस था ना माइनस था प्लस चलो इसको चेंज कर दो कोई नहीं चेंज कर दो अरे ठीक है ना कोई नहीं 1 + 10j × cot j अब सही है 1 + 10j डॉट मतलब होता है इनटू हाँ डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है ठीक है बेटा कोई नहीं उसके लिए
अरे अभी तो आगे लौट में हमारे हल्ला नहीं करेंगे तो कौन करेगा हल्ला। चलो वन प्लस टेंजेंट टू कॉट जो देखो वन प्लस कितना आंसर दो दो। अच्छा वैसे तो खैर सवाल देखो टेन जे की वैल्यू कितनी जरा कोई बताएगा। हाँ चार बाय मतलब 40/30 आया होगा इंटू ये आया होगा 30/40 जीरो 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 थ्री से थ्री गया फोर से फोर गया तो वन बनेगा वन प्लस वन कितना होता है टू। इतना सही है इतना सही है। अगली बात अब जरा काम की बात सुनो काम की बात ये ध्यान सुनो जब भी एक एक बात मुझे बताओ अगर 2 इंटू 1/2 करोगे आंसर 1 ही आएगा हाँ या ना। जब भी क्यों हुआ ऐसा क्योंकि ये रेसिप्रोकल है 2 का रेसिप्रोकल कौन है 1/2 रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है ना तो tan j किसका cot j किसका उल्टा होता है tan j का होता है नहीं होता तो इसीलिए कभी भी आप रेसिप्रोकल वालों को मल्टीप्लाई कर दो जैसे tan j * cot j तो 1 आता है 1 आया कि नहीं आया अरे इधर देखो चेक करो 1 आया कि नहीं आया। ऐसे अगर मैं साइन जे और साइन जे का उल्टा कौन था कॉसेक जे इन दोनों का इंटू करूंगा तो भी कितना आएगा 1 आएगा रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के तो इसीलिए मैं सवाल देखते ही बता सकता था कि इन दोनों कैंसिल करके तो 1 ही आएगा और 1 में 1 ऐड होगा आंसर कितना आएगा। तो इसके लिए वैल्यूज की जरूरत भी नहीं थी बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सॉरी बिल्कुल लिख सकते हाँ अब बोल क्या बोलो ये वाले फॉर्मूला तो क्या है? पता है हमें कि रेसिप्रोकल जो होता है वो कैंसिल करके वन ही तो देता है तो उसमें फॉर्मूला भी कुछ नहीं। दोबारा वहाँ गेम खेल रहा था इधर देख ये समझ में आया वाला जो करा हुआ तो यही समझ वैल्यूज है वो मैंने कहा जब भी टेन और कॉट एक दूसरे रेसिप्रोकल होते हैं ना तो कैंसिल होके कितना आएगा 1 जैसे 2 × 1/2 क्या होता है 1 आता है तो वही बताया कुछ नहीं जब भी रेसिप्रोकल होते हैं कैंसिल करके 1 आता है मल्टीप्लाई होता है जैसे cos j का उल्टा कौन होता है sec j तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आएगा ऐसा बोलना चाह रहे थे तो रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करके हमेशा 1 आता है। ठीक है डन यहां तक कल जो हम करेंगे कल इसके क्वेश्चंस करेंगे ठीक है ठीक है कल हम इसके अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे थोड़े लेवल बढ़ाने वाले हल्के हल्के ठीक है ठीक है प्रैक्टिस थी ना होमवर्क लिखो अरे होमवर्क लिखो हाँ पहला काम तो रिपीट लिखो रिपीट कितने क्वेश्चन हो गए ज्यादा नहीं है 4-5 ही तो है आज 3 कल के भी तो होंगे ना 2 एक या 2 होंगे कल के 1 ठीक है 4 ये सवाल रिपीट करने कर लोगे काम। एक और काम लास्ट 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर याद करके लाने और लिख के लाने ठीक है 2 बार लिख के लाने 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर ठीक है दोबारा 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर ठीक है कल मैं किससे पूछ लूंगा उठा दूंगा सीधा कि 18 का स्क्वायर बताओ ठीक है 15 का स्क्वायर क्या था 15 का स्क्वायर वो देख दांत दिखा रहा हूँ याद करके लाना कल चलो फिर बाय बाय।